हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एंड स्मार्ट। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पेटीएम कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो आप, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो को दोस्तों फुल स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ही ये वीडियो को कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैंने बनाया है वैसे ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जब इसे फुल स्क्रीन करोगे तो दोस्तों आपको ये आपके फ़ोन पे फुल पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिससे कि दोस्तों आपको बेहतर दिखाई देगा। तो दोस्तों फुल स्क्रीन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो जब देखते हो दोस्तों, यहाँ पर आप हेलो देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे दिख रहा होगा कि ये फोर का जो जो कि दोस्तों स्क्वायर बॉक्स है, इसे आप क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आपकी वीडियो जो है फुल स्क्रीन हो जाएगी, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपकी पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा जिसके ज़रिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको इसके लिए जो है एक मर्चेंट का फ़ोन नंबर चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास वो है तो। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ जाइए गूगल पर और मर्चेंट मोबाइल नंबर सर्च कीजिए गूगल पर, वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर होता है दोस्तों 10 नंबर्स का जो आम होता है, वही आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कॉल करते हैं। दोस्तों आपको पेटीएम के लिए ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर आप डायल कर लीजिएगा आप भी। और दोस्तों यहाँ पर आप मुझे जो है दोस्तों, दो सिम्स है मेरे फ़ोन में दोस्तों, मैंने पेटीएम से रजिस्टर किया है आइडिया की सिम से, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर अपने जियो के फ़ोन से कॉल करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जियो में बैलेंस है, इसीलिए मैं जियो से कॉल करूँगा। दोस्तों चलिए कॉल करते हैं। में आपका स्वागत है। डियर कॉलर, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस यू कैनॉट एक्सेप्ट और दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। देखिए दोस्तों, मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय यू इज 8 8 1, प्रेस 1 टू कंफर्म। और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और दोस्तों मैंने उसे कंफर्म भी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा डायरेक्ट जो है दोस्तों सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। रिलेटेड टू शॉपिंग, फॉर इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, पासबुक और बैलेंस इश्यूज वाया पेटीएम प्रेस 1, फॉर लॉगिन और प्रोफाइल रिलेटेड इश्यूज प्रेस 2। दोस्तों यहां पर फिर से सेकंड ऑप्शन ले लीजिए। टू रीसेट योर पेटीएम ऐप पासवर्ड प्रेस 2, फॉर अदर लॉगिन और प्रोफाइल इश्यू प्रेस स्टार फॉर प्रीवियस। दोस्तों यहां पर फिर से आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको अब कनेक्ट करता है पेटीएम कस्टमर केयर से। दोस्तों आप ऐसे करके यहाँ से आप कॉल कर सकते हो पेटीएम कस्टमर केयर को। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैसे आप कर सकते हो कॉल, जो कि दोस्तों मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था, 2-3 वक्त मैंने भी दोस्तों पेटीएम कस्टमर केयर को कॉल किया था ऐसे ही। दोस्तों जैसे मैंने किया था वैसे ही आपको बता दिया है। अगर आपको दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।